हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करेंगे। देखिए, हम ये बात कर चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिसिटी को या उस करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो हम हर एक कंडक्टर को एक रेजिस्टर भी मान सकते हैं। हम कंडक्टर को रिप्लेस, कंडक्टर का नाम रिप्लेस कर सकते हैं रेजिस्टर से। सपोज करो दिस इज द कंडक्टर, हम बोलेंगे इसके बाद रेजिस्टेंस है। बट सपोज करो अगर ये कंडक्टर नहीं भी है बट तब भी इसके बाद रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क क्या होता है? एक कंडक्टर इस उस चीज को हम बोलते हैं जिसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो लिमिटेड होती है, लो वैल्यू में होती है। इंसुलेटर हम उसको बोल देते हैं जिसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि वो करंट को अपने अंदर में से पास ही नहीं होने देती। ठीक है, तो आप एक कंडक्टर को आप एक रेजिस्टर भी बोल सकते हो। अब आपको याद होगा, मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाते हैं फॉर द यूजेस। फॉर एग्जांपल, इस रूम में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। जिस रूम में आप भी बैठ के पढ़ रहे होंगे उस रूम में लाइट्स होंगी। अब सभी लाइट्स आप देख रहे हो बटन से कनेक्टेड होती हैं, स्विच से कनेक्टेड होती हैं और उनके अंदर इंटरनल वायरिंग होती है। उस सबको मिला के हम एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सर्किट डायग्राम बनाना भी सीखा था। तो सर्किट क्या होता था? बेसिकली एक क्लोज लूप होती थी जिसमें करंट फ्लो कर सकता है एंड उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम सर्किट डायग्राम बोलते थे। तो अब हम क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या सर्किट में सिर्फ एक ही कंडक्टर लगा होगा या एक से ज्यादा भी लग सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हम अपने सर्किट में एक कंडक्टर भी लगा सकते हैं और एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि एक लगेगा कि ज्यादा लगेंगे। एक भी लग सकता है, बहुत ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, अब आपने अब कंडक्टर को रेजिस्टर बोलना। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि हम अपने रेजिस्टर्स को या कंडक्टर्स को अगर एक से ज्यादा लगते हैं तो उनको किस तरह से अरेंज करते हैं सर्किट के अंदर। तो इसके तीन तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको बेटा कॉम्बिनेशन बोला जाता है। एक सर्किट के अंदर जब हम एक से ज्यादा कंडक्टर या रेजिस्टर्स लगा देंगे तो हम बोल देंगे हमने इन सबको कंबाइन करके रेजिस्टर कंडक्टर सर्किट में लगाया। तो उस चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो आप अपने सर्किट में रेजिस्टर्स लगा सकते हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इन मिक्स कॉम्बिनेशन। देखो ये मिक्स है ना, ये इन्हीं दोनों से बना। आप अगर ये दोनों समझ लोगे तो ये आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आपको इसके भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है, तो आपको तीनों ही आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से। हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे तीन रेजिस्टर्स की जिनकी वैल्यू होगी R1, R2 एंड R3। अब सबसे बेटा देखो, ये टॉपिक और ये टॉपिक समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कंडक्टर, ऑब्वियसली इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर आप इस कंडक्टर में से इस तरफ से करंट पास करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि कंडक्टर का ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा सोर्स के, तो ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल पे होगा। एंड यहां से जब करंट बाहर आएगा तो ये साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी और ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि करंट जिस तरफ से एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जिस तरफ से लीव कर रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर मैंने आपको बोला कि कंडक्टर को हम रेजिस्टर मान सकते हैं, तो इसी कंडक्टर को मैं इस तरह भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन थी मेरी रेजिस्टर की। तो अगर इसमें से करंट आ ही जा रहा है तो जिस टर्मिनल से मैं जा रहा होगा वो पॉजिटिव और जिधर से मैं लीव कर रहा होगा वो नेगेटिव। ये बात आप समझ गए। अच्छा, आप यहां से देखिए रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करी पॉइंट ए से एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने एक वायर कनेक्ट करी पॉइंट बी से, सच दैट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ कर दिया और हमने यहाँ पे की लगा दी ताकि हम सर्किट को ऑन ऑफ कर सके। मैं आपको की का फीचर बता चुका हूँ। अब आपने क्या किया, अब आपको सपोज करो R1, R2, R3 की आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करनी है। तो आप मान लीजिए कि ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2 है, ये रेजिस्टर R3। अब इनके इस तरफ से करंट आ रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और इधर से लीव कर रहा है नेगेटिव, आ रहा है पॉजिटिव, इधर से लीव कर रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसके लिए ना हम क्या करते हैं, हम दो तरह की वायर यूज करते हैं। एक रेड वायर यूज करते हैं और एक हम येलो वायर यूज करते हैं। बेसिकली रेड वायर हम डोनेट करते हैं कि इधर से भाई करंट आनेगा और येलो से हम डोनेट करते हैं कि इधर से करंट जाएगा। ठीक है, तो आप सपोज करो किसी भी कंडक्टर के या रेजिस्टर के दो टर्मिनल होते हैं, एक ये छोर और एक ये छोर। तभी तो आपको दो कंडक्टर दोनों एंड्स पे क्या लगाना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। इसका मतलब दो टर्मिनल्स होंगे। अब ध्यान से समझना, अब आपने इस रेजिस्टेंस R1 में से जहां से करंट आ रहा है वो पॉजिटिव, जहां से लीव कर रहा है वो नेगेटिव, R2 का पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब अगर आप इन तीनों को सीरीज में लगाना चाहते हो तो आप क्या करिए, R1 के नेगेटिव के साथ R2 का पॉजिटिव, R2 के नेगेटिव के साथ R3 का पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमारे पास R1 रेजिस्टर, ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
अब इसके नेगेटिव तार को आप जोड़ दीजिए R2 के पॉजिटिव के साथ और R2 के नेगेटिव की तार को आप जोड़ दीजिए R3 के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, सोच करो ये रेड वायर, ये येलो वायर, ये रेड वायर, ये येलो वायर, तो आप R1 से निकलने वाली येलो वायर को R2 में निकलने वाली रेड वायर से कनेक्ट कर दीजिए तो हम मान लेंगे पॉजिटिव कनेक्टिव जुड़ गए, और R2 से निकलने वाली येलो को आप R3 के रेड से जोड़ दीजिए तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गए। अब अगर आप यहाँ से देखोगे इन तीनों रेजिस्टर्स के पास टोटल 6 टर्मिनल थे बट इसमें से आपने 1, 2, 3, 4 आपस में जोड़ दिए, बचे कितने 2 टर्मिनल। 3 रेजिस्टर्स के पास 6 टर्मिनल थे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से आपने ये 4, 1, 2, 3, 4 ये आपस में जोड़ दिए और इस पूरे के पास तीनों रेजिस्टर के पास टर्मिनल कितने बचा, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। आपने अब इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया इन दो पॉइंट्स के क्रॉस तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन बन गई होगी। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर सोच करो आपको मैं इस तरह का सर्किट दे दूं और आपसे पूछूं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या नहीं या कोई और कॉम्बिनेशन, तो आप क्या करिए बैटरी में से करंट निकालिए, बैटरी में से करंट निकाल के सोच कर लिया हमने बैटरी से करंट निकला, इस करंट को आप सर्किट में फ्लो करवाइए और जैसे ही कंडक्टर के अंदर जाए उस पॉइंट को पॉजिटिव मान लीजिए जहां से लीक करे नेगेटिव। अब यहां से करंट एंटर करेगा तो ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, यहां से लीक करेगा नेगेटिव, यहाँ से एंटर करेगा पॉजिटिव, यहाँ से लीक करेगा नेगेटिव। अब देख साफ साफ देख सकते हैं हमने इन दोनों रेजिस्टर्स के नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करा है, इन दोनों रेजिस्टर्स के नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करा है, तो जब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन होगी। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको अगला टॉपिक करने का फायदा है, अगर आप ये नहीं समझे तो दोबारा से वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह का सर्किट ना देके मैं इस तरह का सर्किट देता हूँ और आपसे पूछता हूँ बताओ ये सीरीज है एक पैरेलल है, अब आपको कोई बैटरी लगी तो आप इमेजिन कर लीजिए बैटरी लगी हुई है, ठीक है, आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर, मान लीजिए इधर से करंट आ रहा है, अब हमेशा इधर से करंट ना मानने जाए, आप इधर से करंट मान लीजिए कि करंट इधर से आ रहा है, अब अगर करंट इधर से आ रहा है तो जिस तरफ से एंटर कर रहा है पॉजिटिव लीव कर रहा है नेगेटिव, एंटर कर रहा है पॉजिटिव लीव कर रहा है नेगेटिव, एंटर कर रहा है पॉजिटिव लीव कर रहा है नेगेटिव, देखो ध्यान से इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड, इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब कनेक्टेड होंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि जब हम रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस सर्किट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें बैटरी में से निकलने वाला करंट कितना होगा, रेजिस्टर के अंदर इंडिविजुअल करंट कितना होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये सारी बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।